ऑफ यू, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ के मैथ्स के बारे में, जिसका आपका चैप्टर 4 कंटिन्यू चल रहा था. ओके, सो इसकी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे हम. इसमें भी आपके वेरिएबल सेपरेट करने वाले क्वेश्चन से, बस इसमें आपको इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी दी गई है और बाकी वही क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 37 बाई 2. ओके, सो आप इसको भी उसी मेथड से कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो 5 बाई 2 है, तो इस टर्म में दोनों को आपको 2 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 का इंटू कर सकते हैं. ओके, अब फिर आपका 5 बचेगा, तो प्लस 5 को हटाने के लिए आप दोनों टर्म में से 5 माइनस कर सकते हैं. ये आपकी वो वाली मेथड हो जाएगी. ओके, सो उससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं और इससे भी कर लेते हैं, या फिर हम वेरिएबल सेपरेट करने वाली वो डायरेक्ट मेथड 2y अपने प्लेस पे. ओके, ये वेरिएबल वाली है इक्वल्स टू 37 बाई 2, ये अपने प्लेस पे. ये प्लस का 5 बाई 2 पूरा एक नंबर है, ये रेशनल नंबर आपका, तो ये इस टर्म में आएगा चेंज होके, तो किस में हो जाएगा, माइनस में 5 बाई 2. ओके, 37 माइनस 5 बाई 2, ठीक है, दो अपॉन वाली नंबर्स के बिटवीन प्लस या माइनस का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. और एलसीएम किसका लिया जाता है, आपका डेनोमिनेटर का, 2 और 2 दोनों सिमिलर है, तो ये आ गया आपका 2. ओके, जब नीचे की नंबर सेम है तो हम ऊपर की भी सेम ले लेते हैं, 37 माइनस 5. ओके, 37 में से 5 माइनस करेंगे आप कितना बचेगा, 32 अपॉन 2. ओके, ये 2y आपका कंटिन्यू चल ही रहा, 2 1 2 कितना बचा आपका, 1 हो गए 12, तो 62. ओके, ये 2 आपका इंटू का है, 16 अपॉन 2, 2 8 16, y इक्वल्स टू 8. ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8, ठीक है. ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट. इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है. सारे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है. ओके, सो हम इसका क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं. क्वेश्चन 2 भी आपका इस टाइप का. ओके, सेकंड सॉल्व करेंगे, इसमें भी वेरिएबल सेपरेट करना है. सेम क्वेश्चन है आपके, सारी एक्सरसाइज आपकी इक्वेशन पर डिपेंड है, बस आपको वेरिएबल से ये वेरिएबल सेपरेट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 4 इक्वल्स टू 12. ओके, कोई भी नंबर्स या डिजिट आपकी ब्रैकेट के बाहर है तो हम उसका अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, 2 का x में इंटू करा 2x, 2 का 4 में इंटू करा 2 4 8 इक्वल्स टू 12. ओके, 2x अपने प्लेस पे, 12 अपने प्लेस पे, ये प्लस का 8 इधर आके किसका हो गया, माइनस का. 12 माइनस 8 कितना होगा, 4. 2x अपने प्लेस पे, 1 इस इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 इंटू का था, इधर आके किसका हो गया, डिवाइड का, तो x इक्वल्स टू 2 2 4, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2. ओके, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है. आप वो वाली मेथड से भी कर सकते हैं, ये वाली 3b वाला, उस मेथड से हम कर लेते हैं. 3n - 5 इक्वल्स टू 21. ओके, 3 का n में इंटू करा 3n, 3 का माइनस 5 में करा 3 5 15 इक्वल्स टू 21. ओके, अब आपको इस 15 को हटाना है, ठीक है. सो आप क्या करोगे, 3n अपने प्लेस पे इक्वल्स टू 21. जब आपको वेरिएबल को सेपरेट करना रहता है तो इस माइनस 15 को हटाने के लिए क्या करोगे, सेम इसी डिजिट से आप प्लस या माइनस करोगे, ठीक है. तो माइनस 15 तो है, इसको हटाने के लिए हमको क्या चाहिए, प्लस का 15, प्लस का 15 इसमें करेंगे, प्लस का 15 इसमें करेंगे. ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में प्लस 15 जोड़ने पर, यहाँ लिख सकते हैं 8 the 15 इन बोथ साइड्स, ठीक है. 15 से 15 कैंसिल, इधर बचा आपका 3n, इधर 1 5 6 और 2 और 1 3. ओके, अब आपको n सेपरेट करना है तो इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो हम लिख देंगे यहाँ पे
डिवाइड बाय थ्री इन बोथ साइड्स, ठीक है, या लिख सकते हैं दोनों पक्षों में तीन का भाग देने पर, थ्री से थ्री, इसमें भी थ्री, इसमें थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, एन इक्वल्स टू थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, ओके। आप दोनों ही तरीके से जो आपको ठीक लगता है उसी से कर सकते हैं, पर आना आपको दोनों ही मैथड चाहिए, ओके। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, ओके। और कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन स्टार्टिंग विथ एक्स इक्वल्स टू टू एंड कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन स्टार्टिंग विथ एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। इसमें आपको क्या करना है कि एक्स इक्वल्स टू टू से आपको दो इक्वेशंस बनाना है, सॉरी तीन इक्वेशन बनानी है। तो एक्स इक्वल टू टू रखोगे तो इस एक्स में अगर टेन ऐड करोगे तो इसमें भी ऐड करोगे, ओके, तो टेन एक्स इक्वल्स टू टू बन जाएगा। यदि इसमें आप टेन एक्स इक्वल्स टू टू हो गया, यदि इसमें फाइव प्लस करते हो तो इसमें भी फाइव हो जाएगा आपका। तो ये इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि टेन एक्स ऐड करा आपने, सबसे पहले एक्स इक्वल्स टू टू पुट करना है आपको, ओके। अब इसमें यदि आप टेन का इंटू करते तो इधर भी टेन का इंटू करा, इधर भी इंटू करा, ओके। तो टेन एक्स इक्वल्स टू ये हो गया आपका टू टेन जा ट्वेंटी। अब इसको इक्वेशन बनाना है आपको, तो इसमें भी टू ऐड कर देंगे, इसमें भी टू ऐड कर देंगे, तो टेन एक्स इक्वल्स टू 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 फाइव, मैंने पहले फाइव बोला था, फाइव भी कर सकते हैं आप, ये हो गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसी तरह से इक्वल्स टू टू से आप इक्वल्स टू टू लेके चलेंगे, अब दूसरी इसमें आप थ्री फोर कुछ भी ले सकते हैं, नेक्स्ट में आप फाइव या एट कुछ भी ले सकते हैं, ओके। सो इस तरह से आपको ये तीन तीन इक्वेशन बनानी दोनों, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।